एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में हमने हमारी पहली ट्रेड ले ली है। तो रीज़न अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा जो है गैप डाउन खुला है। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने एक अच्छे से लेवल पे से ही रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेते ही जो है नेक्स्ट कैंडल में हमने जो हमारी एंट्री है वो ले ली है। जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से ज़्यादा वीक दिख रहा है हमें, तो हमने निफ्टी में ट्रेड क्यों ली इसका रीज़न भी आपको पता लगेगा। वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे जो हैं हमारे पास प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट्स को देखते हुए हम हमारी ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे, हम जो है अच्छा से एक हमारा टारगेट का वेट करने वाले हैं। देखते हैं मार्केट हमें जो है कहाँ तक एक डाउनफॉल दिखाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इवनिंग स्टार का एक पैटर्न भी बनता हुआ हमें दिख रहा है, जिसका भी आप देखें तो काफ़ी बार यहाँ से मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया है और आज जो है मार्केट ने यहीं से ही रेजिस्टेंस लिया है। यही देखते हुए हमने जो है हमारी ट्रेड ली है निफ्टी में। दूसरी चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि बैंक निफ्टी में क्यों नहीं ली, क्योंकि निफ्टी जो है वो तो कम वीक है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी चलेंगे। पहले आप इसके चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, कैंडल कैसे मूव कर रही है, इसमें कितना मोमेंटम है, सारी चीज़ें आप देख लीजिए पहले निफ्टी की। तो चलते हैं हम काइट पे कि उसमें कितना प्रॉफिट हमारा चल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, वरना मैं पर्सनली जब ट्रेड लेती हूँ, जब मैं आपको मैं प्रॉफिट्स को नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट्स गिनती हूँ। स्टॉप लॉस भी पॉइंट्स के हिसाब से ही लगाया जाता है, लेवल्स को देखते हुए ही स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो वही जो है देखते हुए मैं आपको अपनी ये जो ट्रेड है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे लगभग 900-950 के करीब का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। आप देखें तो काफ़ी अच्छी जो है कैंडल भी बनती हुई दिख रही है, स्टॉप लॉस भी छोटा ही है। ये ट्रेड मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी है, स्टॉप लॉस भी बताया है, सारी चीज़ें जो हैं टारगेट वगैरह सब बताया ही है मैंने आपको मेरे टेलीग्राम पे। तो ये निफ्टी का एक मिनट का चार्ट है। एक मिनट के चार्ट में देखें तो माह हमें जो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की जगह मिल चुकी है। हम जो है अभी तक हमने स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमें कोई भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की जगह नहीं मिली है, तो हमने हमारे स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया है। इसीलिए हम जो है अब भी हमारी ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं। तो देखते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाता है, कितना अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, किस साइड मूव करता है। ट्रेड को होल्ड करने वाली हूँ मैं, स्टॉप लॉस जो है जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने लगा दिया है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि अगर मार्केट में अचानक से अपोजिट डायरेक्शन में मूव आए तो हमारा जो प्रॉफिट है या फिर जो हमारी कैपिटल है वो पूरी जो है वो नहीं जाए, जो स्टॉप लॉस जितना हमने लगाया है सिर्फ वहीं तक ही जाए। जितना अमाउंट हमने तय किया है उतना ही हम मार्केट को देंगे, उससे एक्स्ट्रा हम मार्केट को नहीं देंगे, इसलिए हम जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं। फिलहाल अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में लगातार जो है मार्केट में डाउनफॉल आई, तो इसी वजह से हमने डाउनफॉल में एक जब मार्केट गिर रहा है तो गिरते वक्त बीच में हम एंट्री नहीं ले सकते, इसीलिए हमने एंट्री नहीं ली। और आप देखें तो लगभग जो है इसने 170 पॉइंट की लगातार हमें डाउनफॉल दिखाई और निफ्टी में हमें एंट्री मिल रही थी, इसीलिए मैंने निफ्टी में एंट्री ले ली है। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पैरेलल चलते हैं, साथ साथ लगभग चलते ही हैं। तो ये आप निफ्टी के चार्ट में देखें तो मार्केट जो है काफ़ी बढ़िया जो है अच्छे तरीके से वाट लगाया हुआ है, हमारी ग्रीन कैंडल बना रहा है। कोई बात नहीं, वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करेंगे, फिर अपने टारगेट हिट होने का वेट करेंगे, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने हाई जो लगाया है वो 175 लगाया है, और जो मैंने मेरा टारगेट लगाया हुआ था वो 176 लगाया हुआ था, जो कि मैंने आपको मेरे प्रीमियम चैनल पे भी बताया था टेलीग्राम के। तो सिर्फ एक ही पॉइंट से हमारा यहाँ पर टारगेट रहा है। तो स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पे आपने फिर से देख लिया है सिर्फ एक दो पॉइंट से ही हमारे टारगेट्स भी रहते हैं, स्टॉप लॉसेस भी रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल हम वेट करने वाले हैं कि कब जो है बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, कब हमें इसमें अच्छे डाउनफॉल दिखाई दे। निफ्टी में आप देखें तो मार्केट ने पूरी रिकवरी ले ली है, इसमें भी हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, जो कि कुछ खास
अभी सिर्फ दो ही टच हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रेंड लाइन में लगभग कम से कम 3 टच होने ज़रूरी रहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 3 मिनट के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बन रही है। हम वेट करने वाले हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। फिलहाल आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो फिर काफ़ी अच्छे लेवल पे से जो है इसने 0.5 के लेवल पे से रिजेक्शन लेके ये नीचे आया है, जो कि फिबो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है मार्केट के लिए, जहां से वो रिजेक्शन ले। तो ये भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट बन चुका है डाउन साइड का। और ये आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो है वो ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, नीचे आने का रुकने का ये नाम ही नहीं ले रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडर्स, वेट करो, होल्ड करो अपनी ट्रेड को, बने रहो अपनी ट्रेड में और देखो कि मार्केट जो है वो कहाँ तक एक हमें अच्छी डाउनफॉल दिखा सकता है, कहाँ तक मार्केट जो है जा सकता है। मार्केट यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट कराता है या फिर टारगेट हिट कराता है, सिर्फ आप जब अपनी ट्रेड लेते हैं तभी जो है चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि कहाँ आपका टारगेट होने वाला है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, सारी चीज़ें। उसके बाद आपको सिर्फ मार्केट में बैठ के होल्ड करना है, वेट करना है। आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो है वो एकदम जा चुका है तोड़ ताड़ के, सलीम की गली में पहुँच ही चुका है, सारे लेवल्स को ये तोड़ चुका है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्रॉफिट कहीं 900 चल रहा था, 950 चल रहा था, वो आप देखें तो 200-250 में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट की शुरुआत ही हुई है, पूरा दिन पड़ा है, आज नहीं तो नेक्स्ट मंडे आएगा, उस वक्त हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और क्योंकि फ्राइडे है तो जैसे कि मैं आपको बोलती आई हूँ, फ्राइडे को आप सिर्फ एक ट्रेड लें, उससे ज़्यादा ट्रेड ना लें, या फिर हो सके तो आप ट्रेडिंग ना करें। ट्रेड लेते हैं तो पूरी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लें, वरना ट्रेड ना लें। निफ्टी के 5 मिनट में देखें तो लगातार 5 जो है ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें तो लगातार 5 कैंडलों के बाद हमें जो है इसने बहुत ही अच्छी रेड कैंडल दिखाई है, जो है हमारा 200-250 प्रॉफिट चल रहा था वो सिर्फ एक ही कैंडल में हमें जो है 900-950 का प्रॉफिट दे चुकी है ये कैंडल। तो यहाँ पे बात आती है मोमेंटम की, कैंडल में जो है मोमेंटम कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है डाउन साइड का यहाँ पे हमें जो है सेलिंग की पावर यहाँ पे देखने को मिल रही है सिर्फ एक ही कैंडल में। तो ये जो चीज़ है ये होती है सेलर्स की पावर, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, देखते हैं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे हमें कितने डाउनफॉल दिखाता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ नहीं जाता है। वेट करो, होल्ड करो अपनी ट्रेड को। स्टॉप लॉस जो है वो हम कॉस्ट पे ले आए हैं, हमारे स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो सिर्फ कॉस्ट पे ही होगा, जो हम लॉस में हैं नहीं रहेंगे वो हम, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की जगह मिल चुकी थी। इसलिए वेट करो, होल्ड करो अपनी ट्रेड को, देखते हैं कहाँ तक मार्केट हमें लेके जाता है। और अगर चैनल को फिर से मैं आपको बोलूँगी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, लाइक भी कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे आप देखें तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 900-950 का हमें प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू।